नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार में मॉनसून अभी भी सक्रिय है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मौसम में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। मौसम परिवर्तन की वजह से राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बिहार के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर पिछले दिनों हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं उत्तर बिहार के इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि 30 जुलाई के बाद बारिश की सक्रियता में कमी आएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम पूर्वानुमान से कहा गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और वहीं अगले 2-3 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। 29 जुलाई को पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश और मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही आगे के दिनों में वर्षा की सक्रियता में कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से इन दिनों अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान से 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ अगले 2 दिनों तक पुड़वा हवा चलने का अनुमान है। वहीं राजधानी पटना में मौसम के बदलते रुख ने लोगों को परेशान कर रखा है। तेज बारिश के बाद हल्की धूप के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। वही हाल दरभंगा और बेतिया का भी रहा। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 29, 30 और 31 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 29 जुलाई और 30 जुलाई को इन जिलों के कई जगहों पर, वहीं 31 जुलाई को इन जिलों के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 29 और 30 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश जगहों पर, वहीं 31 जुलाई को इन जिले के कुछ ही जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 29 जुलाई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग पटना द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोग इस दिन थोड़ा सचेत रहे। वहीं 30 और 31 जुलाई की बात करें तो इन दिनों इन जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीदें जताई जा रही है। बात करें दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और के कई जगहों पर 29, 30 और 31 जुलाई को गरज आकाशीय बिजली के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां 29 जुलाई को अधिकांश जगहों पर गरज आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं 30 और 31 जुलाई को इन जिले के कई जगहों पर आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है, लेकिन उमस वाली गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो 29 जुलाई को इन जिले के अधिकांश जगहों पर, वहीं 30 और 31 जुलाई को इन जिलों के कई जगहों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आमतौर पर 29, 30 और 31 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके सटे इलाके के 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जताई जा रही है, लेकिन फिर भी बारिश के बाद निकलती धूप से राजधानी वासियों को उमस वाली गर्मी से परेशानी दिख सकती है, जहां अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।